नमस्कार, क्रांति न्यूज इंडिया से मैं अनामिका झा। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। द्वारका मोहन गार्डन इलाके के विपिन गार्डन में हत्यारे पति ने पत्नी सहित दो अबोध बच्चों का गला द्रेत कर तिहरे हत्याकांड को दिया अंजाम। द्वारका मोहन गार्डन इलाके के विपिन गार्डन कॉलोनी में रविवार सुबह तिहरे हत्याकांड जैसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें एक शख्स ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी सुनीता के अलावा 3 महीने के अबोध अमय व 5 साल के अयांश दोनों मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या को अंजाम देने के बाद खुद की कलाई काट कर खुदकुशी करने का किया नाकाम प्रयास। आरोपी हत्यारे पति उर्फ बाप का नज़दीकी अस्पताल में इलाज जारी, जहां पर उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बता दें कि सुबह 6 बजे के आसपास इस तहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को घर के अंदर बंद कमरे में महिला और उसके 2 बच्चों के शव खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़े मिले। मौके पर मौजूद फॉरेंसिक व क्राइम टीम द्वारा पुख्ता साक्ष्य जुटाने के बाद तीनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। द्वारका DCP एम हर्षवर्धन अनुसार मृतका सुनीता की शादी आरोपी राजेश से 8 साल पहले हुई थी। वो ISO सर्टिफिकेशन के लिए एक कंपनी चलाता था, जिसमें घाटा होने के बाद अभी हाल में वो जनरल स्टोर चला रहा था। मौके पर मौजूद पीड़ित मृत महिला के भाई अखिलेश ने मीडिया समक्ष बताते हुए कहा, शनिवार को 1 हफ्ते पहले उसकी बहन सुनीता मायके से अपने ससुराल वापस आई थी और कल रात में उसने वीडियो कॉल कर अपने भाई से बात की थी, क्योंकि उसका छोटा बेटा 3 महीने का हो गया था। अखिलेश ने ससुराल के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा, जब उसे पता चला और वो मौके पर पहुंचा, तो पुलिस ने उसे घर के अंदर के हालात नहीं देखने दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी राजेश ने इस 13 हत्याकांड को अंजाम देने से पहले अपने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे, जिससे साफ जाहिर होता है ये एक सोचा समझा साजिशाना हत्याकांड था। पुलिस आसपास के लोगों से व अपने सूचना तंत्र माध्यमों से जानकारी जुटाने दौरान हत्या का मामला दर्ज कर अभी इस 13 हत्याकांड को हर एक एंगल से जोड़कर देख रही है। DCP एम हर्षवर्धन ने इस 13 हत्याकांड के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए आगे क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। 6 बजे एक PCR कॉल हुई, जिसके बाद जब पुलिस में पहुंची तो एक घटना सामने आया, जिसमें एक राजेश नाम के 38 साल के व्यक्ति ने अपने वाइफ 35 साल की वाइफ और 2 बेटे हैं, 5 साल का बेटा और 4 महीने का एक बेटा, ये हत्या कर दिया है और खुद भी अपने आप को घायल किया है। वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है DD हॉस्पिटल में। और ये बात सामने आई है कि आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में उसने एक मैसेज भेजा था अपने एक स्कूल फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको देखकर फ्रेंड्स ने उसके भाई को अलर्ट किया और फिर भाई ने पुलिस को अलर्ट किया और मौके पर पहुँच कर फिर जब वो दरवाज़ा नहीं खुला तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया और ये इंसिडेंट सामने आया। उस मैसेज में उसने डिटेल किया है कि उसको काफ़ी सारे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो रहे थे और उस चीज़ों के बारे में उस मैसेज में लिखा है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, मर्डर का केस हमने रजिस्टर कर लिया है और हम इसमें इन्वेस्टिगेट। बताइए अखिलेश नाम है मेरा। सर, मेरे पास सुबह कॉल आया इनके फ्रेंड का, जीजू के फ्रेंड का, कि आपके जीजू ने ना मर्डर सुसाइड कर लिया है, हमारी सिस्टर और दोनों भांजों को ख़त्म कर लिया, अपने आप को भी ख़त्म कर लिया। फिर हमें तो भी बिलीव नहीं हुआ, फिर मैंने इनके भैया को कॉल किया तो इनके भैया ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने तुरंत बोला कि ना मैं घर पे आ जाओ, घर पे आ जाओ, सोनू के आ जाओ। हम यहाँ पे आए हैं, ना जीजू थे मेरे, ना उनका फ्रेंड था, पुलिस वाले थे। फिर मैं अंदर गया हूँ, बॉडी है मेरी, दोनों मेरी बहन है, दोनों भांजे अंदर बॉडी बेड पर पड़े हुए हैं और ग्लव्स है वहाँ पे, चक्कू हैं, ग्लव्स पहन के मारा गया। उनके भाई से पूछा है, उन्होंने उनके सास ससुर भी थी, ना सास ससुर है यहाँ पे, ना उनका भाई है बड़ा, सास ससुर यहीं रहते हैं, भाई एक गली छोड़ के आगे रहता है, लेकिन तीनों ही नहीं है। दरवाज़ा तोड़ के पुलिस वालों ने दरवाज़ा तोड़ा, सबसे पहले वो अपने माँ बाप को लेके गया, उसका जीजा आया वो लेके गया, कोई नहीं है यहाँ पे, और जिन्होंने मर्डर किया है वो हॉस्पिटल में सही सलामत है, सब ने मिल के मारा है, भाई डॉक्टर है, ग्लव्स पड़ा हुआ है, जीजा है, जीजा स्टाफ में है, जीजा रांची में रहता है, यहाँ पे क्या करने आ गया आज, रांची में स्टाफ में है, क्राइम ब्रांच में है, तो वो भी यानी यहाँ पे है, बड़ा भाई डॉक्टर है वो भी यहाँ पे नहीं है, वो कह रहा है मेरे को यही नहीं पता कि मेरा भाई का काम करता है, आज तक अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रखा, आज सुबह से अपने माँ बाप को पहले ले गया अपने घर पर। बच्चा कितने साल का है? एक 6 साल का, एक कल 3 महीने का कंप्लीट हुआ है।
और तीनों दोनों लड़के हैं दोनों। कल भी हमारे सिस्टर से बात हुई है रात को 12 बजे करीब, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कॉल पे बात हुई है। कोई सुसाइड नहीं है? कोई सुसाइड नहीं है, कोई वो नहीं है। और इनका भाई कह रहा है उसने सुसाइड लेटर लिख रखा है, 12 पेज का लेटर टाइपिंग करके फोन करेगा, लेटर लिखेगा क्या? टाइपिंग में स्टोरी लिखी हुई है, कह रहे मर्डर है, सुसाइड करा इन्होंने। पूरे घर में जाके देखो, इसके पूरा परिवार मिला हुआ है, बेड पे ब्लड ब्लड है, एक बाल्टी ब्लड बेड के साथ रखा हुआ है, ये सुसाइड है। और जिसने मारा है वो बचा हुआ है। क्रांति न्यूज़ इंडिया से विशेष संवाददाता अनीता गुलेरिया की खास रिपोर्ट।